नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड शासन का बड़ा आदेश आया है। तो उत्तराखंड शासन का बड़ा आदेश, राजस्व पुलिस से 3 साल के आपराधिक मुकदमे का मांगा गया है ब्यौरा। तो डीजीपी और राजस्व परिषद को भी पत्र भेजा गया है इसको लेकर। तो कोर्ट में शपथ पत्र देने की कवायद भी अब शुरू हो गई है। तो सीएम धामी आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो आज देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड शासन का बड़ा आदेश पारित किया गया है, राजस्व पुलिस से 3 साल के आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा मांगा गया है। तो डीजीपी और राजस्व परिषद को पत्र भी भेजा गया है इसको लेकर, और कोर्ट में शपथ पत्र देने की कवायद भी अब शुरू हो गई है। तो सीएम धामी आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो उत्तराखंड शासन का बड़ा आदेश पारित किया गया है, तो राजस्व पुलिस से 3 साल के आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा मांगा गया है। तो अंकिता हत्याकांड के बाद अब जो प्रशासन और शासन दोनों ही सक्रिय हो गए हैं, इसके बाद उत्तराखंड शासन ने बड़ा आदेश अब पारित कर दिया है, राजस्व पुलिस से 3 साल के आपराधिक मुकदमे का ब्यौरा मांगा गया है। तो डीजीपी और राजस्व परिषद को इसको लेकर पत्र भी भेजा गया है। तो कोर्ट में शपथ पत्र देने की कवायद भी अब शुरू हो गई है। तो सीएम धामी आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं इसको लेकर। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड शासन का बड़ा आदेश पारित किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे से जुड़ गए हैं। अभय, राजस्व पुलिस से 3 साल का आपराधिक मुकदमे का ब्यौरा मांगा गया है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने ये कहा, राज्य सरकार से जवाब तलब यहाँ पर किया था, और खासतौर पर मुख्य सचिव जो उत्तराखंड शासन है उनसे व्यक्तिगत तौर पर शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए 3 सप्ताह के भीतर यह समय यहाँ पर दिया था, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जो पूर्ण राजस्व व्यवस्था को खत्म करने के जो निर्देश दिए थे उस दिशा में सरकार ने क्या कुछ कार्रवाई करी है। तो ये समझा जा सकता है कि अब उन सब चीजों को लेकर संजीदगी के साथ जो शासन स्तर पर काम यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन चाहता है कि जो व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी, उस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। उसमें जरूरी है कि तथ्यों के साथ हर चीज को यहाँ पर परखा जाए। कोशिश यही थी कि जो आंकड़े हैं, जो मुकदमे जो राजस्व विभाग पर चल रहे हैं, उन मुकदमों को बैरिकेड किया जाए, उससे किस प्रकार से कार्रवाई हुई, उन सब चीजों का आधार जानने। तो अभी क्या कहा, क्या इसकी खास वजह बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अब उत्तराखंड में भी आप आपराधिक मुकदमे लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या उसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है? राज्य सब पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, जिसको लेकर लगातार सवाल यहाँ पर होते हैं, उस पर अब यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद यहाँ पर चल रही है, इसी वजह से व्यवस्था को खत्म करने के लिए निर्णय यहाँ पर हुआ। तो ऐसे में राज्य सब व्यवस्था के सभी आंकड़ों को यहाँ पर जुटाने का काम शासन जैसे किया जा रहा है, कि किस प्रकार से राज्य सब जो है प्रशासन ने कहाँ पर जीत ली है, किस जोन का आधार मजबूत बनाया जा सकता है, उसके लिए 3 साल के आपराधिक मुकदमे की योजना हुई है, जी। अभय, क्योंकि डीजीपी और राजस्व परिषद को भी अब पत्र भेजा गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर, कितना समय दिया गया है उन्हें? अभी तक तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर डीजीपी और उनको भी जो पत्र दिया गया उसमें त्वरित गति से काम करने के लिए कहा गया है, और जो जल्द सभी योजना है वो सभी मुकदमों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि जब मुख्य सचिव पेश करें तो इन सब चीजों में वो सभी तथ्य यहाँ पर मौजूद हो। इसके लिए कह सकते हैं कि 3 सप्ताह का समय मुख्य सचिव को हाईकोर्ट तरफ से दिया जाएगा, और ऐसे में कहना चाहता है कि अभिलंब उन सब चीजों की जानकारी विभागीय अधिकारी। अबे, सीएम धामी भी आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, तो किसको लेकर ये समीक्षा बैठक होने वाली है, क्या यही वजह है जिसको लेकर आज ये समीक्षा बैठक भी की जा रही है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ये गृह विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री का एक तो रूटीन मोड है, दूसरा ये कि जो राजस्व व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से रेगुलर पुलिस पर काम किया जा सकता है, राजस्व व्यवस्था को कैसे सवाल करने का काम किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर काम यहाँ पर हो रहा है। ये कह सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, और आगामी कैबिनेट में उस पर सरकार बंधन भी यहाँ पर मंत्रिमंडल कर सकता है, तो उन दिशाओं में यहाँ पर काम करने के लिए कहा गया। कोशिश यही है सरकार की कि जो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश है उन दिशा निर्देशों का इसलिए बैठक यहाँ पर हो सके। तो कितने बजे अभी ये बैठक शुरू होने वाली है? बिल्कुल, दोपहर 12:30 बजे बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठक होगी, जिसमें राजस्व विभाग के
अधिकारियों के साथ शासन के सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सभी विभागों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि सरकार के पास कोई सही आंकड़ा उपलब्ध हो सके की जो ठीक है। अबे आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आ रही है, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जहां पर अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की पीसीआर अब मंजूर कर ली गई है, तो पुलकित समेत अंकिता के तीनों आरोपियों की कोर्ट ने पीसीआर की मंजूरी दे दी है। तो पौड़ी जिले में अब जेल पुलिस जो है पूछताछ के लिए आज आरोपियों को अपने पास लेके आने वाली है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की पीसीआर मंजूर कर ली गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की पीसीआर की मंजूरी दे दी गई है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। जहां पर आरोपियों की पीसीआर आज मंजूर कर ली गई है, तो पुलकित समेत अंकिता के तीनों आरोपियों की कोर्ट ने पीसीआर की मंजूरी दे दी है, यानी कि अब उन्हें पौड़ी जेल से पुलिस पूछताछ के लिए आज आरोपियों को अपने पास लाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कि अंकिता की जो हत्याकांड है, जो हत्यारे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे किसका और हाथ है, कौन लोग इसमें और शामिल थे, वीवीआईपी जो आए थे वो कौन थे। तो काफी ज्यादा जो है सवालों के घेर में पुलिस भी है, तो उसी को लेकर आज पूछताछ आरोपियों से की जाएगी। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर अंकिता हत्याकांड में आरोपी की पीसीआर को मंजूरी दे दी गई है। तो पुलकित समेत अंकिता के तीनों आरोपियों की कोर्ट ने पीसीआर की मंजूरी दे दी है। तो वही उत्तराखंड में सरकार के निर्देश के बाद लगातार अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल, स्पा, रिजॉर्ट, होम स्टे, गेस्ट हाउस पर अब कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत गुरुवार को मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी पुलिस, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मसूरी धनोल्टी रोड, भट्टा गांव, झड़ी पानी, बड़लागंज और क्षेत्र पर सघन छापेमारी की है, जिसमें मसूरी धनोल्टी रोड कपलानी के पास लारिसा रिजोर्ट में अनियमितताएं पाए जाने पर उसके दो कॉटेज को सीज कर लिया गया है। वहीं हरिकृष्णा होम स्टे का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है और बाकी होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस पर भी अनियमितताएं पाए जाने के बाद 10,000 रुपए का चालान काटकर चेतावनी भी दी गई है। तो मसूरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध होटलों पर एसडीएम की ने बड़ी कार्रवाई की है, तो अनियमितता पाए जाने पर दो कोटे सील्ड कर दिए गए हैं, तो हरिकृष्णा होम स्टे का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं कई गेस्ट हाउस के 10,000 के चालान काटे गए हैं। कारण यह है कि अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद कई गेस्ट हाउस के 10,000 के चालान काटे गए हैं। होटल है, रिजॉर्ट है, होम स्टे है, स्पा है, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें एमडीडीए भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। तो उसके क्रम में पिछले दिनों भी अभियान चलाया था, उसमें 7-8 पर कार्रवाई हो चुकी है। आज भी अभियान कंटिन्यू चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि जिन होटल रिजॉर्ट्स ने यहाँ संचालन शुरू कर दिया लेकिन अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया है, तो उनको, क्योंकि इसमें जुर्माने का भी प्रोविजन है, उनको समय भी दिया जा रहा है कि अपना पंजीकरण तक। तो देहरादून से अगली बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का देहरादून का दौरा है, तो किसान मोर्चा की गोष्ठी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन प्रतिभाग करने वाले हैं, तो पार्टी के प्रदेश कार्यालय भी आ सकते हैं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। तो बीएल संतोष के संघ के बड़े नेताओं से भी आज मुलाकात हो सकती है, संघ के नेताओं से बीएल संतोष की चर्चाएं भी होने वाली है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि संघ के नेताओं से आज वो मुलाकात करेंगे, साथ ही चर्चाएं काफी अहम ये चर्चा बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ चर्चाएं हो सकती है, काफी ज्यादा अहम इसे बताया जा रहा है। तो बड़े नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक भी लिए जा सकते हैं, तो राष्ट्रीय महामंत्री फीडबैक भी ले सकते हैं। तो बड़े नेताओं से पहले मुलाकात करेंगे, चर्चाएं होंगी,
काफी अहम ये चर्चा बताई जा रही है। इसके बाद वो फीडबैक भी ले सकते हैं सभी नेताओं का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का देहरादून दौरा है। आज किसान मोर्चा की गोष्ठी में राष्ट्रीय महामंत्री आने वाले हैं, संगठन प्रतिभाग करने वाले हैं। तो किसान मोर्चा की गोष्ठी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन प्रतिभाग करेंगे, तो पार्टी के प्रदेश कार्यालय भी वो आ सकते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आ सकते हैं। तो बीएल संतोष के संघ के बड़े नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संघ के नेताओं से बीएल संतोष की चर्चा काफी अहम भी रहने वाली है। तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। इसी बीच बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद वो फीडबैक भी ले सकते हैं। तो देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का आज देहरादून दौरा है। तो किसान मोर्चा की गोष्ठी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन प्रतिभाग करने वाले हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो डोईवाला से आ रही है, जहां पर डोईवाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला पहुंचे हैं। जाखा नदी पर बने पुल का लोकार्पण उन्होंने किया है। तो शीतला नदी पर बॉक्स कलवर्ट पुल का भी लोकार्पण किया गया है। पिछले साल बाढ़ के कारण ये पुल टूट गया था, तो रानी पोखरी का ये पुल टूट गया था, जिसके बाद लोकार्पण किया गया इसका। तो सरकार ने तकरीबन 16 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दे दी थी, तो लगभग 32 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। डोईवाला वासियों के लिए काफी खुशी की आज खबर है। डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो डोईवाला वासियों को कई सौगातें मिली है। जाखन नदी पर बने पुल का उन्होंने लोकार्पण किया है, शीतला नदी पर बॉक्स कलवर्ट पुल का भी लोकार्पण किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। पिछले साल बाढ़ के कारण रानी पोखरी का पुल टूट गया था, तो लोकार्पण किया गया है। तो सरकार ने तकरीबन 16 करोड़ की धनराशि की इसको स्वीकृति दी थी, तो लगभग 32 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। तो डोईवाला के लोगों को कई सौगातें आज मिली है, लगभग 32 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम धामी ने डोईवाला वासियों को दी है। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम धामी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित भी काफी नजर आए कार्यकर्ता। तो डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो जाखन नदी पर बने पुल का उन्होंने लोकार्पण किया है, तो शीतला नदी पर बॉक्स कलवर्ट पुल का भी लोकार्पण किया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले साल बाढ़ के कारण रानी पोखरी का पुल टूट गया था, जिसके बाद सरकार ने तकरीबन 16 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति दी थी, तो लगभग 32 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। यानी कि डोईवाला वासियों को आज लगभग 32 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम धामी ने दी है। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई नेता उस दौरान मौजूद रहे। तो नवरात्रि पर 32 करोड़ की योजनाओं का तोहफा डोईवाला वासियों को दिया गया है सीएम धामी द्वारा, तो कई पुलों का लोकार्पण भी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिले अब तक के चुनावी परिणामों से बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी को उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल मिलने लगा है, जिससे उम्मीद से ज्यादा परिणाम बीजेपी के पक्ष में अभी तक आए हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत दोनों में ही बीजेपी का वोट बनेगा और निर्दलियों का भी समर्थन बीजेपी को ही मिलने लगा है। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस बार हमको आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हम अपना बोर्ड जिला पंचायत बनाने जा रहे हैं और जो निर्दलीय भी जीते हैं, मुझे लगभग 10-12 निर्दलियों के भी फोन आ गए समर्थन में, तो मैं कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा वहां पर बनेगा। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में विजय हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा
कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य अब धनबल वाले नेताओं से दूरी बनाकर रखें जो बिना काबिलियत के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि काबिलियत रखने वाले प्रत्याशियों को ही जीते हुए सदस्य वोट दें, जिससे हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख योग्य व्यक्ति बन सके। और उम्मीद करता हूं कि जो भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं या जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं वो धन पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और योग्य उम्मीदवार जो कार्य करे, जो सेवा करे जनता की, उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा मेरा उनसे अपील भी है और ऐसी मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि इस समय पूरा भारत जो है वो परेशान है, लोग और जनता त्रस्त हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। उन समस्याओं का निदान करने वाले लोग सब एकजुट होकर किसी योग्य व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे, ताकि आने वाला समय ग्रामीण लोगों की जिंदगी बेहतर। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई पर उत्तराखंड में बैन लग चुका है। तो पीएफआई पर उत्तराखंड में बैन लग गया है, उसी के साथ ही सहयोगी जो संगठन है पीएफआई के, उन पर भी बैन लग गया है। तो आदेश इसको लेकर जारी कर दिए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई पर उत्तराखंड में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, साथ ही जो सहयोगी संगठन थे पीएफआई के उन पर भी बैन लगाया गया है और आदेशों को जारी कर दिया गया है। तो लगातार पीएफआई पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, ईडी, एसटीएफ सभी लोग जो है, एनएसआई जो है, सभी के सभी पीएफआई पर कार्रवाई कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएफआई पर उत्तराखंड में बैन लगा दिया गया है, तो सहयोगी संगठन जो है उस पर भी अब बैन लग चुका है, तो आदेशों को जारी कर दिया गया है। तो कई समय से देश में पीएफआई के बैन की मांग चल रही थी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई पर उत्तराखंड में बैन लग चुका है, सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है, तो आदेशों को जारी भी कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है देहरादून में, सहयोगी संगठन पर भी लगा है बैन। तो वही देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर से उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ है। तो पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बन गए हैं, जिसको लेकर मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजियां की और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हुए नजर आए। आदरणीय डोभाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक बार फिर उत्तराखंड के एक सैनिक पर, उस वीर पर विश्वास करते हुए, जहाँ पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे उत्तराखंड से थे, आज पूर्व डीजीएम अनिल चौहान को उन्होंने सीडीएस बनाया है। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, डोभाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ और चौहान जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है जो हमारी सैनिकों से संबंधित। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, कल से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों के खुलने का समय। तो कल से सरकारी स्कूलों के खुलने का जो समय है वो बदल दिए गए हैं। तो सुबह 9:30 बजे से स्कूल खोले जाएंगे और छुट्टी दोपहर बाद 3:30 बजे होगी। यानी कि सरकारी स्कूलों में जो खुलने का समय था उसे बदल दिया गया है, 9:30 बजे कर दिया गया है, और यानी कि छुट्टी अब दोपहर बाद 3:30 बजे होगी। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक वंदना गबरियाल और माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुंवर के आदेश के बाद इसे पारित किया गया है। तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक सभी सरकारी स्कूलों के खुलने का समय यही रहने वाला है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।